नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आज के दिन, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके क्या क्लियरिटी मिली है उनको और क्या करना चाहते हैं आगे, वो हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में ज़रूर रखिएगा। जो भी चीज़ आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन में आप पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की फीलिंग्स, उनकी क्या है। ओके, कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था ना स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे। मैं बहुत स्पीड में कमेंट्स देखती हूँ, सो इतने डिटेल्स मैंने नहीं चेक किए हैं, बट उनसे रिलेटेड आंसर्स जो है ना मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। ठीक है, थोड़ा टाइम दे मुझे, थोड़ा सा शेड्यूल मेरा अभी बिजी चल रहा है, मुझे थोड़ा आधा एक घंटा का भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी आपके क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन वीडियो के थ्रू ही होगा। हर एक को पर्सनली आंसर करना बहुत मुश्किल होता है, प्लीज़ समझें इस चीज़ को। ओके, वीडियो के थ्रू होगा, वीडियोज़ मैं दूसरे चैनल में पोस्ट करूँगी और उस चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे डाउट्स थे, और बहुत मुझे खुशी हुई कि आप लोगों की, बहुत लोगों की क्लैरिटी आप लोगों को मिली है। बहुत इल्यूजन में थे बहुत सारे लोग, बहुत लोग कन्फ्यूज थे, उनको क्लैरिटी मिली है उस वीडियो के थ्रू से। सो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की कुछ काम आ रही है वीडियो, और कहीं ना कहीं गाइडेंस आप लोगों को मिल रही है। आई एम रियली ब्लेस्ड, मैं बहुत बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को सच में पता चल रही है कि आपकी जर्नी क्या है, और ये बहुत खूबसूरत जर्नी है। हर दिन हर पल इसका एंजॉय कीजिए और ग्रो कीजिए और ग्लो कीजिए। ओके, ओके, सो नाउ डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है। डिवाइन आज क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या चाहते हैं, टाइम प्लीज। द आउटसाइडर फूल, पॉलिटिक्स, प्लेफुलनेस, चेंज, शेयरिंग, ब्यूटिफुल, लेटिंग गो, ओवरऑल एनर्जी लेटिंग गो की है। ओके, चलिए क्लेरिफाई करते हैं क्या बोल रहे हैं आपके पार्टनर। आउटसाइडर क्यों है यानी, हाँ मुझे लगता है ना कि ये इंसान बहुत अभी अकेला फील कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। एक होता ना कि यहाँ के भी नहीं है, वहाँ के भी नहीं है, ऐसी एक एनर्जी है, मतलब कोई नहीं है जिसको अपना कह सकते हैं, जिससे कुछ शेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है उनके लाइफ में। बहुत फ्रेंड्स नहीं होंगे इनके, ऐसा हो सकता है। ज़्यादा अकेले रहने वाले इंसान, अकेले हैं। आउटसाइडर क्यों है डिवाइन यहाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्स, वाओ द एम्प्रेस। इनको कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इनके लाइफ की सिचुएशन है ना, ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो ये अपने पैसों पे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, सब कुछ सही हो आप दोनों के बीच, एक पैशन आए फिर से, ऐसी एक इच्छा इनकी दिख रही है। सो आउटसाइडर की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ये ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, इनको अपने आउटसाइडर बना दिया। तो आप में जो एक हक था इनका, अब इनको वो हक नहीं फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप वो हक वापस नहीं दोगे क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी देख रहे हैं वो।
ठीक है, आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी देख रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। द एम्प्रेस की एनर्जी मतलब बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी होती है, बहुत अनकंडीशनल लव जिनके अंदर होता है। यू नो, आपको अगर कोई बिजनेस वुमन बना देगा तो आप बिजनेस संभाल लोगे पूरी तरह से। घर में अगर आपको कोई चाहेगा कि आप घर में सबकी सेवा करो, सबका ख्याल रखो, वो बहुत अच्छे से आप कर लोगे। मतलब ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप ऑलराउंडर हैं, अभी बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, दूसरों के लिए केयर है, प्यार है, कंपैशन है, प्रैक्टिकल हैं आप। सो एकदम बैलेंस्ड एक एनर्जी देख रहे हैं आपकी ये इंसान, ठीक है। और इनकी एनर्जी एक छोटे बच्चे की एनर्जी है, वो इमेच्योर एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इमेच्योरिटी के चलते आप इनको वापस अब उस साइड नहीं आने दोगे, जो आपने गेट बंद कर दिया है ना, उस साइड आप वापस आने नहीं दोगे, ऐसी एनर्जी। तो ये एनर्जी सबकी नहीं हो सकती है, ठीक है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके पार्टनर की एनर्जी ये नहीं हो सकती है। उन्हीं लोगों की एनर्जी है ये जो इस एनर्जी में है, द एम्प्रेस की एनर्जी में है, जो अपने पार्टनर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यू नो फुल्ली, आप जो हैं एक ऑरा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है उनको। तो इनको लग रहा है कि इनकी इमेच्योरिटी के कारण, क्योंकि बच्चे वाली एनर्जी है, देख रहे हो ना, इनको ऐसा लग रहा है इनकी इमेच्योरिटी के कारण आपने जो गेट बंद किया है, अब आप इनको वापस उस साइड नहीं आने दोगे, मतलब अपने तरफ वापस आप इनको नहीं आने दोगे। लेकिन ये इंसान जो है, इनको आउटसाइडर फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि आपके ऊपर का सारा हक उन्होंने खो दिया है, और जो हक खो दिया है ये उनको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इनको बाहर करके गेट बंद कर दिया है, इनको आउटसाइडर बना दिया है। लेकिन ये इंसान आपके साथ काम ज़रूर करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये मैच्योर होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, एक पैशनेट रिश्ता चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं। टीम वर्क मतलब आप इनको गाइड करो और यू नो आपकी बात ये सुने, इनकी बात आप सुनो। और एक होता है ना, हम कैसे कुछ बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे टीम वर्क करके मीटिंग करते हैं, और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो ये इंसान यही चाह रहे हैं कि आप दोनों मिलकर टीम वर्क करें। टीम वर्क मतलब एक दूसरे का साथ मिलकर इस रिश्ते को बेहतर करें, काम करें इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को एक पैशनेट रिश्ता बनाएं जैसे कि ये पहले था। इनकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, दिन भर ये इंसान इसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी इनकी इसी चीज़ में लग रही है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये इंसान अपने पेंटिकल्स को ग्रो करना चाहते मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी आप पे फोकस्ड है अभी, ठीक है। तो ये वो फाइनेंशियल वाला नहीं है, ये आपको लेके दिन भर सोच रहे हैं। दिन भर सोच रहे हैं मतलब कैसे काम किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। आप इनको इमेच्योर समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि इनको ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं है, ये चीज़ों को मेच्योर वे में नहीं टैकल करते हैं। सो इस तरह से आप इनको आपने अलग कर दिया है और अब आपने गेट बंद कर दिया है, तो अब इनको नहीं पता इनको वापस एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो पूरी एनर्जी यहाँ पर आपकी और इनकी निकल के आई है। सो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये इंसान बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, ये कॉन्शियसली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कॉन्शियसली आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है फ्रेश स्टार्ट हो, पास्ट का सब कुछ खत्म हो जाए। द मून, डरे हैं, न्यू बिगनिंग से इनको डर लगता है, करना ज़रूर चाहते हैं न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, लेकिन ये डर रहे हैं। हाँ, जगल कर रहे हैं अपने माइंड और सोल के बीच में, माइंड और सोल के बीच में इसलिए ना क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माइंड में अभी भी स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स, ये सब चल रहा है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है ना कि ये डायरेक्ट आपके पास नहीं आना चाहते, ठीक है, ये कुछ जस्टिस चाहते हैं। कैसे चाहते हैं ये मुझे नहीं पता है। इनको जस्टिस चाहिए, आपने बहुत अन्याय किया है इनके ऊपर, इनको चाहिए जस्टिस, ठीक है। आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया है, आपने गेट बंद कर दिया है, वापस इनको आप नहीं ले रहे हो। तो ये जो है गुस्सा आ रहा है इनको। अगेन, टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, ये इंसान अब इस रिश्ते का भार लेने के लिए रेडी हैं, कॉन्शियसली ये इंसान रेडी है। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अगर सेपरेशन में हैं आप, तो ये इंसान अगर पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, अब ये चाहते हैं कॉन्शियसली, मतलब होशो हवास में चाहते हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर इमोशनल सपोर्ट हो, जो भी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है ये लेना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है, एक डर है इनके अंदर डर ये है, ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके माइंड और बॉडी में हो सकता है बैलेंस, या फिर आपके और कोई और इंसान हो सकता है जिनके बीच ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और इनकी फैमिली हो सकती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए जस्टिस, इनको ऐसा लगता है इनको जस्टिस नहीं मिला है, या तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जस्टिस इनको चाहिए, क्यों,
क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उसके बाद है, वेट कर रहे हैं जस्टिस का, आपके जस्टिस का वेट कर रहे हैं इंसान कि आप इनके साथ जस्टिस करोगे, ठीक है। इनको डर है कहीं आप नहीं जस्टिस किया आपने, कहीं आप नहीं एक्शन लिया आपने, कहीं आप नहीं आए वापस, कहीं आपने गेट नहीं खोला तो क्या होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी है इनके अंदर और कुछ ना कुछ एक डर दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, डर ये भी है कि कहीं बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए, तो ये भी डर है इनके अंदर। अब बैलेंस जो है वो इनके माइंड और बॉडी में हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन में आपके साथ कोई सिचुएशन, या तो इनके फैमिली या इनके कोई और हो सकता है इनके लाइफ में, या फिर इनकी सोल और माइंड के बीच में, ठीक है, या तो आपके और इनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ ये बैलेंस क्रिएट हो पाएगा कि नहीं, सोच के डर रहे हैं। ओके, यहाँ पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? देखिए, बहुत सारे कार्ड्स क्लेरिफिकेशन में निकलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आपने साइन नहीं बताया, ऑल साइंस रीडिंग समझ लीजिए आप। ऐसे भी टैरो में साइन का कोई मतलब नहीं होता, एनर्जी रीड करती है टैरो, ठीक है, चैरियट की एनर्जी यहाँ पे, द चैरियट, एक्शन लेना चाहते हैं ये इंसान, और ऐसा नहीं कि कुछ सीखा नहीं हमने, सीखा है, लेकिन एकदम से आते ही आपको नहीं दिखाएंगे कि ये सीख क्या है, मतलब यू नो, आपका एटीट्यूड देखेंगे उसके बाद ये दिखाएंगे कि ये क्या सीख क्या है। फ्यूचर देख रही है इंसान आपके साथ, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि ये जो है ना एक ऐसी एनर्जी है, ये डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे। माय गॉड, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल जो एनर्जी है ना इनकी, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं सच में आपके साथ, और आपको जो चीज़ उन्होंने नहीं दिया है पहले वो चीज़ देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनके लाइफ में और लोग नहीं हैं जिनके साथ अपनी एनर्जी ये शेयर कर सकते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं या फिर आप नहीं रहोगे तो इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है, इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करें और आपके साथ एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो। देखिए, यहाँ हाथ आपको दिख रहे हैं ना, बहुत सारे हाथ हैं जो कि चाहते हैं उनसे उनकी एनर्जी, लेकिन वो पकड़ के खड़े हैं, दे नहीं रहे, ठीक है, तोल रहे हैं, मतलब यू नो, इनकी एनर्जी भी ऐसी है कि इनको पता है कि आपने बहुत किया इनके लिए, अब इनकी बारी है। तो ये इंसान आपके लिए करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, दिल में कुछ या तो वुंडेड हैं, सबकॉन्शियस वुंड है, सबकॉन्शियसली हील्ड नहीं है इंसान, कुछ वुंडेड हैं ये इंसान, पास्ट का कुछ मेमोरी अभी भी इन्होंने होल्ड करके रखा है, ऐसा कुछ है, या तो ये इंसान यू नो, कुछ छुपाएंगे आपसे, या फिर अपना प्यार जो है वो खुल के नहीं दिखाएंगे, खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे फीलिंग्स अपनी, ठीक है, मतलब पहले कुछ और दिखाएंगे उसके बाद अपना रियल फेस दिखाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, बहुत कैजुअली स्टार्ट करेंगे पहले आके, एकदम से यू नो, आके आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। सो एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं क्योंकि पास्ट में इन्होंने लेसन लिए हैं, अच्छे से लेसन ले लिया है इन्होंने, फ्यूचर में इंसान आपको देख रहे हैं, अब ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, देखिए वेट भी कर रहे हैं आपका, वहाँ से आ रहा है शिप और ये इंसान इनको लग रहा है कि अभी आप आओगे, अभी आप आओगे, अभी आप एक्शन लोगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बाकी भी सारे रिश्तों से उन्होंने मुंह फेरा है, ये आपकी तरफ देख के ही खड़े हैं कि आप आओगे, और एक ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ ये इंसान, समझ रहे हो, मतलब ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, वैसे ये इंसान आपके साथ ये भी आगे बढ़े, ये भी ग्रोथ की तरफ बढ़े, और इस रिश्ते में एक ग्रोथ आए, इस रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग आए, समझ बूझ आए आप दोनों की, इनको ऐसा लग रहा है। पॉलिटिक्स की जो एनर्जी है ना, ये इंसान आपसे भी चाह रहे होंगे, इनको लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, सो ये चाहते हैं कि आप रियल फेस दिखाएं अपना, सो ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो कि आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं है, सो आपने कहीं ना कहीं एक मास्क लगा के रखा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्लेफुलनेस, ये आपसे चाहते हैं कि आप लाइट एनर्जी में आए, एकदम से पास्ट की बातें या फिर हैवी एनर्जी, लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट, क्यों किया था, जवाब दो, ऐसे वाली एनर्जी में ना आए आप, एकदम लाइट एनर्जी में आए, हंसी मजाक, एक लाइट एनर्जी, या फिर हो सकता है कि फ्रेंडशिप ये इंसान चाहते हों आपसे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, प्यार से आए, समझ लो ना, प्लेफुलनेस, मतलब ओ माय गुडनेस, ये जो चाहते हैं ना कि आपसे ही चाहते हैं, ये जो भी चाहते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, आपसे चाहते हैं ये इंसान कि आप इनको ऐसा ऑफर दें जिससे कि पास्ट के जितने जो भी मेमोरी, खराब मेमोरी है ना, वो सब डिलीट हो जाए, वो सब
हट जाए और जो एक आप दोनों के बीच भी हेवी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए, तो ये आपसे प्यार का प्रपोजल चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनको आके मनाओ, या फिर आप इनको आके सॉरी बोलो, या फिर आप इनको कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा करो, आपके एक्शन कुछ ऐसे हो जिससे कि पास्ट की जो हेवी एनर्जी वो ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच, और एक प्लेफुलनेस मतलब एक लाइट एनर्जी में आप दोनों आ पाए, ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप दोनों खुश रह पाए, हेवी ना हो एनर्जी। दोनों हैं अगर तो आर्ग्यूमेंट हो रही है, पास्ट की बातें कर रहे हैं, क्यों किया था जवाब दो, ऐसे क्यों बोला था, वैसे क्यों बोला था, ऐसा क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया, ये सब वो नहीं चाहते हैं। ये आपसे प्रपोजल चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, या फिर आपसे एक्शन चाह रहे हैं, और वो प्यार का प्रपोजल, यू नो रोमांटिक बातें, रोमांटिक प्रपोजल आपसे ये सब चाह रहे हैं। रोमांटिक मतलब ये इंसान आपसे स्टेबिलिटी चाह रहे हैं बेसिकली, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं। लाइक अगर आप मैरिड है तो ये चाहते हैं कि आप घर परिवार देखें और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग करें और इनके साथ आप बने आगे, मैंने जिंदगी भर के लिए आप इनके साथ रहे, ये चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड है मतलब इनके साथ अगर मैरिड नहीं है आप, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आए, जो नहीं है, जो हमेशा ऑन एंड ऑफ होता है वो ना हो, और एक स्टेबिलिटी आए और हमेशा आपकी एनर्जी प्लेफुलनेस रहे, मतलब हमेशा एक लाइट एनर्जी रहे, आप दोनों एक दूसरे का साथ इन्जॉय करें, हमेशा आप दोनों के बीच प्यार रहे, ये चाहते हैं, लेकिन आपसे चाहते हैं। इनके एफर्ट्स अभी नहीं है, इनके एफर्ट्स तब होंगे जब ये आपके पास आएंगे, अगर आप बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर देखेंगे कि किस तरह का आपका बिहेवियर है, और उस तरह से ये इंसान आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये तुरंत आके अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इनको पता है कि आप के लिए भी ये इंसान उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप उनके लिए हो। सो ये चाहते हैं कि आप जब दोनों की विश एक है तो वो आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो, मतलब पास्ट में आप ही एक्शन लिए थे, आप ही एक्शन लेते आ रहे हो, तो अभी आपको क्या हो गया कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जब आपको पता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपको पता है कि अगर बात हो जाएगी आप दोनों की और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आप कहीं वो सपना पूरा होगा, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जो चीज़ें दोनों आप चाह रहे हो क्यों नहीं रही है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो भी चाह रहे हैं आपको नहीं जाना है, समझिए इस चीज़ को। अगर आप जाओगे तो ये जो रियलाइजेशन में आए हैं ना, ये नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत लोग, मैं बोलती हूँ ऐसा और बोलना भूल जाती हूँ और जाके कॉल कर लेते हैं और फिर आके बोलते हैं मैम उन्होंने ब्लॉक कर दिया, करेंगे ही ब्लॉक वो, समझ रहे हो ना। ये ब्लॉकेजेस हटने दीजिए, जो दिमाग में उनके बादल छाए हैं ना उनको हटने दीजिए पहले, उसके बाद ही वो समझेंगे आपको। ये इंसान बैलेंस चाहते हैं आपसे, आपसे मतलब इनको ऐसा लगता है कि या तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो, आप कुछ और दिखा रहे हो और कुछ और आपके अंदर है, तो ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनको लग रहा है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें, आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, जब आप एफर्ट्स लोगे तब ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, ठीक है, मतलब आपके साथ ये एफर्ट्स लेंगे। ये दिल से चाहते ज़रूर हैं आपके साथ अब एफर्ट्स लेना, लेकिन ये जो ऐसे इंसान है ना कि ये आगे से एफर्ट्स नहीं ले सकते हैं। इनको अगर दिखेगा आपकी तरफ से एफर्ट्स तो ये एफर्ट्स लेंगे, अदरवाइज ये नहीं लेंगे। सो रुक जाइए, आप इसी एनर्जी में रहिए और इनको एफर्ट्स लेने दीजिए, जब ये एफर्ट्स दिखाएंगे फिर आप एफर्ट्स दिखाना इनको, ठीक है। सो एक तरफ से शुरुआत होनी चाहिए और आपको वेट करना चाहिए इनका। ये आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं, आपको ऐसा देख रहे हैं ना कि आप में एक कुछ पावर है अभी जो कि आप सब कुछ सही कर सकते हो। देख रहे हो ना विंग्स उनके लगे हुए हैं और दोनों एनर्जीज़ उनकी बैलेंस है, प्रैक्टिकल इमोशनल एनर्जीज बैलेंस है उनकी, तो ये आपको बहुत बैलेंस्ड देख रहे हैं अभी। इनको आप एक एंजल की तरह लग रहे हो और इनको ये भी लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। सो कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि इस रिश्ते में एक बैलेंस आए। ये सब कुछ आपसे चाह रहे हैं, सारे एक्शन जो है ना ये आपसे चाह रहे हैं, और आपको एक्शन लेना नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। इनको थोड़ा सा और रियलाइज़ करने दीजिए, जो घने बादल हैं उनको छटने दीजिए, तब इनको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए इनको क्लैरिटी चाहिए ज़रूर, लेकिन आपसे चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी चाहिए ज़रूर, लेकिन आपसे चाहिए, ठीक है ना। रुकिए, इनको एक्शन लेने दीजिए, ये लेंगे एक्शन, ठीक है। चेंज जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है उनको, उनको लग रहा है कि चेंज जो है ये पॉसिबल नहीं है अब। द डेविल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो या तो आप बिल्कुल भी इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, या तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हीलिंग कर रहे हो लेकिन ये हील नहीं हो पा रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से ये निकल नहीं पा रहे हैं, ये हील नहीं हो पा रहे हैं। ये चाहते हैं हील होना, ये नहीं हील हो पा रहे हैं, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही ना, आप बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो इनको। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इतने इमोशनल थे पहले आप, अब आपका इमोशन गया कहाँ, अब क्यों नहीं आपको फ़र्क पड़ रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप
आपकी एनर्जी थोड़ी अलग है, आप मिस्टीरियस हो, आपकी एनर्जी से इनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो और यही इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। पहले क्या होता था कि आप मैसेज करते थे, आप कॉल करते थे, आप बोलते जाते थे उनको, तो आपके पूरे दिल की बात उनको पता चल रही थी, है ना, कि आप क्या चाहते हो, आगे आप क्या करोगे या फिर आप क्या आपके दिल में चल रहा है, ये सब कुछ उनको पता चलता था आपके मैसेज से। अभी नहीं पता चल रहा क्योंकि आप मैसेज नहीं कर रहे होंगे, आप जवाब नहीं दे रहे होंगे या फिर आपने ब्लॉक किया होगा या फिर आप नहीं बात कर रहे होंगे बहुत दिन से। सो इनको आपकी एनर्जी पता नहीं चल रही जो कि उनको ऑब्स्टिकल लग रही है। तो एक्शन ले तो कैसे ले, जब आपकी एनर्जी ही नहीं पता चल रही तो कैसे एक्शन ले। सो ये लेंगे ज़रूर, ठीक है, आप इतना शाइन करो कि ये लेंगे ज़रूर, लेकिन वेट कीजिए आप। सो इनको कॉल, मैसेज, मूवमेंट जो है, प्रोग्रेस जो है, इम्प्रूवमेंट जो है, वो भी इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको सब कुछ अभी ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो ये सोच रहे हैं। ये सफरिंग इन साइलेंस, ये भी इंसान चुप हैं और चुप रह रहे के ये इंसान थक गए हैं, ऑब्स्टिकल है ये, अकेले में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं बता रहे, इनकी फीलिंग्स आपको नहीं पता चल रही होगी, लेकिन ये इंसान साइलेंस हो के सफ़र कर रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे, एक जंग है अंदर इनकी, ठीक है। द डेविल, इनको पता है कि इनकी एक एनर्जी जो एक बहुत ओवर एग्रेसिव थे, एरोगेंट थे, बहुत ज़्यादा आप पे डोमिनेंट एक बिहेवियर जो इनका था, वो सारा कुछ इनको लग रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि वो ऑब्स्टिकल था, मतलब उसके चलते ही ये रिश्ता जो है वो सही नहीं हुआ या फिर जो चीज़ें ख़राब हुई वो इनके बिहेवियर के चलते ख़राब हुई, और ये सब कुछ उनको अभी ऑब्स्टिकल लग रहा है। एक चेंज, मतलब एक डिविल वाली जो एनर्जी थी, अब आप नहीं विश्वास करोगे कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं या हील होना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये सब आप विश्वास नहीं करोगे, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। शेयरिंग क्यों है डिवाइन यार, शेयरिंग क्यों है, बताएं प्लीज। सेवन ऑफ वॉन्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनको एक अपॉर्चुनिटी, माई गुडनेस, द सन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव कुछ हो सकता है, ठीक है, ये इंसान की तरफ से कोई एक ऑफर मिलना या कुछ ना कुछ, यू नो, कोई वीडियो शेयर करेंगे आपसे, आपके वीडियो को लाइक कर देंगे, फोटो लाइक कर देंगे, कुछ ना कुछ स्टेटस चेक करेंगे, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से मिलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी का ये वेट कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी इनको ज़रूर चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इंसान, चाहेंगे बहुत लेकिन कर नहीं पाएंगे। एक होता है ना कि पूरी तरह से खुल के एक एक्सप्रेशन की, यू नो, मैं इतने सफ़र कर रहा था मैं, या इतना सफ़र कर रही थी तुम्हारे बिना, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर सेपरेशन ख़त्म करो, हम काम करते हैं इस रिश्ते में, ऐसा कुछ ये खुल के नहीं बताएंगे आपको, अगर बात करेंगे भी तो, ठीक है, ये पूरा प्यार छुपाएंगे अपने अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे। सो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आप लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है, सेपरेशन की बहुत लोगों का ख़त्म होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, और फाइट करने के लिए ये इंसान रेडी हो रहे हैं, ये इंसान रेडी हैं फाइट करने के लिए। अभी तक भले आपको ब्लॉक करके रखा होगा, जिन लोगों को अभी तक आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा होगा वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी हो सकती है, अनब्लॉक करके आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी तरफ से होगी मुझे ऐसा लग रहा है। द सन की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। एक अगर बहुत दिन से अंधेरा था, बहुत दिन से कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो ये वो टाइम है जब चीज़ें सही हो सकती हैं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, चीज़ें सही होने वाली हैं, लेकिन फिर भी जो है ना एक ब्लेम गेम, एक आर्ग्यूमेंट होगी आपकी, जब बातचीत होगी तो एक ब्लेम गेम, आर्ग्यूमेंट, ये सब चलेगा मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक यही है कि ये इंसान जो है बात करेंगे भी तो भी कुछ ना कुछ ब्लेम गेम, तुम्हारे चलते हुआ, तुम्हारे चलते मैंने ये किया, तुम्हारे चलते मैंने तुमको ब्लॉक किया, ऐसा कुछ ये करेंगे, ठीक है। एक आर्गुमेंट होगी कि क्यों नहीं मनाएं ऐसा टाइप मुझे लग रहा है। सो इनके मैसेजेस हम देख लेते हैं कि क्या है इनके मैसेजेस। डिवाइन प्लीज गाइड मेरी एंजल वन मोर टाइम प्लीज। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, हर दिन इनका प्यार बढ़ रहा है आपके लिए। Some people don't want to see us together. हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। You are not with me. I am lonely as can be. मैंने बोला ना कि ये इंसान बहुत रिश्तों से अपना मुंह फेरा इन्होंने और आपकी तरफ घूम के खड़े इंसान। I will heal all your pain. जब ये आपके पास आएंगे तो इनका
मानना सोचना ये है कि ये इंसान आपके आपका पूरा पेन जो है वो ख़त्म कर देंगे, हील करेंगे आपको, मतलब इतना प्यार, इतना यू नो, इतने एफर्ट्स लगाएंगे कि आप हील हो जाओगे। इनका कहना ये है, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, इनके होप्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, इनको डर लग रहा है, मैंने बोला ना इनको डर लग रहा है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये आपको कभी नहीं भूल सकते हैं, ऐसी रजी इनकी है, ठीक है, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माय हार्ट, अपने दिल की बात आपसे बताएं कि छुपाएं, इनको नहीं पता, ये छुपाएंगे अभी, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर, ये छुपाएंगे अभी, इतनी जल्दी आसानी से नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।